वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये कोरोना में भी एक स्वतंत्रता मैच करती है। किसी आदमी को अगर कोरोना हो जाता है, उसको होम क्वारंटाइन किया जाता है, उसके पास सांसारिक सुख के साधन सारे होते हैं। अगर उसके पास कुछ नहीं होता तो स्वतंत्रता नहीं होती, वो अपने विचारों को व्यक्त करने की उसको पॉसिबिलिटी नहीं है, वो घर से बाहर नहीं। इतनी बात से सिर्फ 14 दिन के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। हर आदमी की अगर सबसे बड़ी नेसेसिटी है रोटी कपड़ा मकान, ये हर आदमी को पता है। लेकिन इस रोटी कपड़ा मकान किसी को चाहे कम भी मिल जाए, उसको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान देने से आदमी सर्वाइव करता है, तरक्की करता है। और स्वतंत्रता हमारे देश के लिए और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में। आप सबको राष्ट्र के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, भारत माता की जय। मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर होने को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पिछली बार स्वतंत्रता दिवस 5 अगस्त को धारा 370 हटा के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल का भी हमारा स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छा कर दिया था, उसी तरह इस बार 5 अगस्त को महामारी होने के बावजूद जहाँ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, परेशान है, तो राम जन्मभूमि का जो इतना बड़ा एक गिफ्ट जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा। और सभी देशवासियों को कहूंगा कि जैसे हमने इस कोरोना महामारी में एक दूसरे का साथ देकर एक मिसाल पेश की भारतवर्ष में कि हिंदुस्तान कोई महामारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम सभी हिंदुस्तानी दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये जो एक मैसेज दिया है, इसी तरह से हमेशा हम एक दूसरे का साथ देंगे। आप सभी को ढेरों अनेकों शुभकामनाएं।